शैतानवजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। 5 सितंबर 2022 बरोज़ सोमवार शिलमचा बार्डर पर मौजूद हूँ। खादिम करीम अहले बैत दफ्तर कायद मिल्लत जाफरिया मसूद शुबाज़ेरीन ईरानी रात शाम। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि हम बार्डर पर पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के जो मसूलीन हैं ईरानियों से मिले, उनसे बात की, लेकिन उनको इराक की तरफ से कोई नामा जारी नहीं हुआ। कुछ पाकिस्तानियों की मोहरें लगी हैं लेकिन ईरान की तरफ मौजूद हैं, उनको इराक वाले आगे इजाज़त नहीं दे रहे। अब जितने यहाँ पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर ठहरे हुए हैं, अच्छे इंतजाम हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि कोई लेटर हमें नहीं वसूल हुआ ईरान के मसूलीन ने। अगर लेटर वसूल होगा तो हम तमाम अतवा इमानों को पाकिस्तानियों को जाने देंगे। हम सारे इंतज़ार में हैं, आप भी इंतज़ार में रहें, खुदा करे इमाम जमान के सदक़े में इनके दिलों में रहम आए इराक वालों के, ताकि वो हमें चल में सीख। हमारा मुतालबा ये है कि जिनको आपने इराक गवर्नमेंट ने वीज़ा दिया है उनको इंटर होने दिया जाए, उनको चले में सीधे शहदा की इजाज़त करनी दी जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस आवाज़ को रबर मजम आयतुल्लाह सिस्तानी और इसी तरह आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर साहब, आगा यकीन और आगा फयाज और तमाम राजी अजाम अदारों से और वज़ीर आज़म इराक से अपील करते हैं कि सैयद चले में सीधे शहदा के इस मौके पर ज़ाहिरीन जो लिस्टी वीज़ा लेकर पाकिस्तान से वीज़ा लेकर बिलखसूस जो आ रहे हैं इतने दूर से सफर तय करके, और जिनके जिसके पास इराक का वीज़ा मौजूद है उसको जाने की इजाज़त दी जाए। वस्सलाम खादिम करीम अहले बैत सैयद नासिर अब्बास नकवी शिलमचा बार्डर से मुखातिब हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए दोबारा इंशाल्लाह जैसे कोई बार्डर के रास्ते आगे जाने की इजाज़त होगी तो इंशाल्लाह फिर ऐलान करूँगा। शुक्रिया।